Hazrat Sayyida Fatima tuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Sayyida Fatima tuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha pyare nabi Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki cheheti beti thi. Aap radhiyallahu ta'ala anha ki walida majida Ummul Momineen Hazrat Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha thi. Hazrat Sayyida Fatima radhiyallahu ta'ala anha bachpan hi se nihayat zaheen thi. उमुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम व तरबियत पर बहुत तवज्जो देती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत की। इस वजह से नेकी और पाकिजगी उनकी तबीयत का हिस्सा बन गई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करती, सादा ज़िंदगी गुजारती, घर का सारा काम खुद करती और हर हाल में खुश रहती। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते, ऐसे हालात में हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करती। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली करमुल्ला वजह से हुई थी। आप ख़ातमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पढ़ाया। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कभी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से फ़ातिमा नाराज़ होगी अल्लाह उससे राज़ी ना होगा, फ़ातिमा मुझसे है, जो शख्स उसे तकलीफ़ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगा और जो शख्स उसे राहत पहुंचाएगा वो मुझे राहत पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपनी बेटी से मोहब्बत थी, वैसे ही अपने नवासों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से भी प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अक्सर अपने कंधों पर उठा लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करीब बुलाकर कान में कोई बात कही। वो रोने लगी, फिर दोबारा कान में कुछ कहा तो वो हंस पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ील्ला ताला अन्हा ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ील्ला ताला अन्हा से पहले रोने और फिर हंसने की वजह पूछी तो आप रज़ील्ला ताला अन्हा कहने लगी, पहली बार अब्बा जान ने फरमाया कि मैं इस मर्ज़ में तुमसे जुदा होने वाला हूँ, ये सुनकर मैं रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा ख़ानदान नबूवत में सबसे पहले तुम मेरे पास आकर मुझसे मिलोगी और तुम जन्नत की औरतों की सरदार होगी। इस बात से मुझे खुशी हुई और मैं हंसने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सबसे ज़्यादा सदमा हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुआ और वो हर वक्त गमगीन रहने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी ने उन्हें कभी तबस्सुम फरमाते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के कुछ अरसे के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात पूरी हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उस्वा तमाम ख़वातीन के लिए मिसाली नमूना है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हर शान निराली है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम की नशर व अशात में भी हिस्सा लिया और ख़वातीन की तालीम व तरबियत में भी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक फरमा बरदार बेटी थी और एक खिदमतगार बीवी भी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी औलाद के लिए एक मुशफ़क माँ थी।
غرض سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو تابناک اور روشن ہے۔ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔